कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट्स 24। बात करेंगे खाद्य तेल बाजार के बारे में। आज जानेंगे किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है खाद्य तेल के मार्केट में और लोकल मिलों में क्या रेट देखा जा रहा है, किस तरह का उतार चढ़ाव और ट्रेंड बाजारों में आज आप देख सकते हैं, विस्तार से इस बारे में बात करेंगे। इसलिए हमारे साथ अब खबरों में अंत तक जरूर बने रहिए। तो खाद्य तेल के बाजार के बारे में बात करते हैं। आज वीकेंड है, हफ्ते का आखिरी दिन है और आप खाद्य तेल बाजारों में एक सुस्त कारोबार देखकर चल सकते हैं। विदेशी बाजार आज बंद है और घरेलू मार्केट में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव के साथ कारोबार नहीं देखा गया है, लेकिन हल्की रिकवरी बाजारों में आज आप देखकर चल सकते हैं। CBOT सोया तेल में 9% तक की बढ़त के साथ कारोबार देखा गया है। अमेरिका में सोयाबीन की बुआई 83.5 मिलियन एकड़ की बताई गई है, जो कि मार्च के अनुमान से 4 मिलियन एकड़ के हिसाब से कम है। CBOT सोया तेल जहां 9% ऊपर बंद हुआ है, वहीं रिपोर्ट पर सोया तेल सिर्फ 1.5 रुपए किलो तक ही बढ़ा है। हाजिर में सोया तेल की डिमांड कमजोर है और सन ऑयल का दबाव सोया तेल को बढ़ने नहीं दे रहा है। कल रात भी CBOT सोया तेल की तेजी को देखते हुए आज सोया तेल लूज के दाम में 2 से लेकर 3 रुपए तक की बढ़त के साथ आप कारोबार देखकर चल सकते हैं। अब बात करते हैं लोकल मिलों के बारे में। तो कीमतें बाजारों में हालांकि थोड़ी बहुत स्थिर नजर आ रही हैं। वही वनस्पति में 15 लीटर रेट 1450 है, पामोलिन ने 15 लीटर कीमतें 1350 है, 1 लीटर पामोलिन का रेट 88 रुपए है। सोया ऑयल ने 15 लीटर कीमतें 1460 है, 1 लीटर सोया ऑयल कीमतें 96 रुपए चल रही है। फॉर्चून में 15 लीटर का रेट 1630 रुपए चल रहा है, 1 लीटर फॉर्चून कीमतें 113 रुपए चल रही हैं। सोया रिफाइंड में बेस्ट चॉइस में 97 रुपए का रेट आप देखकर चल सकते हैं। पामोलिन में आप रेट बेस्ट चॉइस में 89 रुपए का देखकर चल सकते हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में राइस ब्रांड कीमतें 88 रुपए हैं, सोया ऑयल का रेट 100 रुपए चल रहा है, सोया ड्यू कीमतें 98 रुपए चल रही है, मस्टर्ड का रेट उत्तर प्रदेश में 107 रुपए है और एक्सप्रेस कीमतें 105 चल रही है। पामोलिन में 90 रुपए का रेट बाजारों में आप देखकर चल सकते हैं। अब इसके अलावा बात मार्केट में बाजारों में लूज की कीमतों में बाजारों में हल्की सी रिकवरी दर्ज करी गई है, लेकिन बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव के साथ आपको कारोबार देखने को नहीं मिलेगा। मार्केट में एक स्थिर कारोबार रह सकता है। विदेशी बाजारों को देखते हुए आज घरेलू बाजारों में ओवरऑल जो ट्रेंड है वो फ्लैट टू पॉजिटिव ही नजर आ रहा है। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। अगर आज का वीडियो आपके लिए यूजफुल होता है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ मार्केट 24।